नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा SYBA, सेमिस्टर द्वितीय। प्रश्न पत्र है आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम से हम परिचित होंगे। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 इस वर्ष से यह प्रश्न पत्र लागू हुआ है। विषय का पूरा नाम आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी अर्थात यह प्रश्न पत्र सामान्य G2 के अंतर्गत हम देख रहे हैं। इसके लिए क्रमांक 3 अर्थात क्रेडिट 3 निर्धारित किए हुए हैं। किताब का नाम है हिंदी साहित्य और भाषा, जिसे संपादित किया है हिंदी अध्ययन मंडल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे द्वारा, और इस किताब का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा किया गया है। अध्यापन के उद्देश्य, छात्रों को व्यंग्य पाठ से परिचित कराना, छात्रों को कहानी व्यंग्य पाठ का बोध कराना, छात्रों को साक्षात्कार कला से अवगत कराना, भाषा का मोबाइल तंत्र समझना, पल्लवन कला से छात्रों को अवगत कराना, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है। देखते हैं पाठ्य विषय किस प्रकार है। इस पाठ्य विषय के अंतर्गत 3 इकाइयों में पाठ्यक्रम बटा हुआ है। पहली इकाई है कविता साहित्य अर्थात सभी व्यंग्य कविताओं का अध्ययन हमें करना है, जिसके लिए 15 तासिकाएं निर्धारित की गई है। वह कविताएं इस प्रकार है। पहली कविता है तीनों बंदर बापू के, जिसके कवि है नागार्जुन। दूसरी बाद बतंगड़ काका हतरसी द्वारा लिखित कविता है। 3 विद्वान लोग, कवि है उदय प्रकाश। 4 है कितनी रोटी, उसके कवि है अशोक चक्रधर। 5 कविता है देश के लिए और कवि है शैल चतुर्वेदी। उक्त रचनाओं का कथ्यगत एवं शिल्पगत अध्ययन हमें इस पाठ्यक्रम में करना है। इकाई 2 कहानी साहित्य देखना है, जिसमें व्यंग्य साहित्य है, जिसके लिए 15 तासिकाएं निर्धारित की गई है। कहानियां इस प्रकार है, प्रेम की बिरादरी, लेखक है हरिशंकर परसाई। दूसरी कहानी है अफसर, जिसके लेखक है शरद जोशी। तीसरी कहानी है सावधान हम ईमानदार है, लतीफ घोंगी द्वारा लिखित कहानी है। 4 है मुख्यमंत्री का डंडा, सुदर्शन मजिठिया द्वारा लिखित कहानी है। और 5 कहानी है झोले, जिसके लेखक है सुभाष काबरा। इन 5 कहानियों का अध्ययन हमें रचनाओं का अध्ययन कथ्यगत एवं शिल्पगत करना है, इस आधार पर कहानियों को समझना है। तीसरा हिस्सा जो है इकाई 3, जिसमें साहित्येतर पाठ्यक्रम समावेश किया गया है। पहला है साक्षात्कार, दूसरा है भाषा से संबंधित ऐप, और तीसरा है पल्लवन। अर्थात इन 3 बिंदुओं के लिए भी 15 तासिकाएं निर्धारित की गई है, जिसमें हमें साहित्य से संबंधित और व्यावहारिक दृष्टि से भी अध्ययन करना है।
साक्षात्कार भाषिक कौशल को विकसित करेगा, पल्लवन लिखित कौशल को विकसित करेगा और भाषा संबंधित जो ऐप है अर्थात तकनीकी जो जानकारी है इस बिंदु के अंतर्गत हमें देखना है, जिसमें मोबाइल ऐप किसे कहते हैं, मोबाइल ऐप के कौन कौन से प्रकार है, इन ऐप की विशेषताएं क्या है तथा इसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी गूगल अनुवाद है, ई महाशब्दकोश है, गूगल इंडिक कीबोर्ड की जानकारी मिलेगी, हिंदी आवाज टाइपिंग अर्थात हिंदी वॉइस टाइपिंग और लीला हिंदी प्रवाह जो है इनके बारे में जानकारी हम इस मध्य के अंदर देखने वाला है। इस प्रकार साहित्यिक या साहित्येतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम जो जानकारियां है हासिल करने वाले हैं। धन्यवाद।